हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल पूरे देश में कोरोना के करीब 4000 नए केस आए, 100 लोगों की मौत हुई। कोरोना ने अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की जान ली है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हुई। यहां करीब 28000 कोरोना केस आ चुके हैं। आज पुणे में रैपिड एक्शन फोर्स ने मार्च किया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए। यहां 112 अधिकारी समेत 1000 से ज्यादा पुलिस वालों को संक्रमण हुआ है। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन के बीच मार्केट में भारी भीड़ दिखी। पूरे राज्य में 90 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 3900 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 425 नए केस आए। राहत की बात यह है कि कल कोई मौत नहीं हुई। 3500 लोग दिल्ली में इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के सेना भवन में एक जवान को कोरोना पॉजिटिव होने से भवन का एक हिस्सा बंद। यहां साउथ ब्लॉक में सेना और नौसेना अधिकारियों के दफ्तर भी हैं। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार से दिल्ली में मेट्रो चलाने की मांग की। कहा, कम यात्रियों के साथ चले मेट्रो और बस, ऑड इवन फॉर्मूले के साथ खुले मॉल और दुकानें। दिल्ली में अब कुछ डीटीसी बसें स्टेशनों से ट्रेन यात्रियों को लाने के लिए चालू हुई हैं। बस में दूरी का रखा जा रहा है ध्यान। दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों की वजह से बिहार में कोरोना केस 1000 के पार चले गए हैं। यहां अब तक 416 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक के रामनगर जिले में धार्मिक मेले के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर के बाहर जुटने पर उठ गए सवाल। कर्नाटक के मैंगलोर में 1000 से ज्यादा मजदूरों ने टाउन हॉल के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार से लगाई घर पहुंचाने की गुहार। महाराष्ट्र से लौटे मजदूरों का एमपी के रीवा में हंगामा। हाईवे पर जाम लगाया। कहा, 4 दिन से खाना तक नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बैंकों के बाहर पैसा निकालने आए गांव वालों की भीड़ लग गई, तो पुलिस ने चलाया डंडा। जनधन खाते में आए हैं 500 रूपए। पश्चिम बंगाल के हुगली में सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो से हंगामा हो गया। पुलिस ने 123 लोगों को हिरासत में लिया है। हथियार भी बरामद। हालात अब काबू में। पंजाब में कर्फ्यू के बीच अमृतसर में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। ग्राहकों को दूरी बनाकर रखनी होगी। गुजरात में 9500 से ज्यादा कोरोना मामले आ चुके हैं। 4500 लोग ठीक भी हुए। अहमदाबाद में हफ्ते भर बाद आज दुकानें खुली। हरियाणा में धीरे धीरे सरकारी बसें चलना शुरू हो गई हैं। अंबाला में बसों में दूरी का रखा जा रहा है ध्यान। दूर दूर बैठे दिखे यात्री। कोलकाता में ममता सरकार ने सरकारी बसों के ड्राइवरों को पीपीई सूट पहनना अनिवार्य किया और एक बस में सिर्फ 20 यात्री बैठ सकेंगे। मध्य प्रदेश के बरवानी में एक गर्भवती महिला मजदूर ने एसडीएम की कार में दिया बच्चे को जन्म। कार से महिला को घर पहुंचाया जा रहा था। कोरोना से बचने के लिए दिल्ली के मधु विहार पुलिस स्टेशन ने अपनाया नया तरीका। दूरी बनाए रखने के लिए स्टेशन में प्लास्टिक से अलग अलग चैम्बर बनाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के गाजीपुर में मस्जिदों से अजान पर लगी रोक हटाई, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ मंजूरी पर होगा। डीएम ने लगाई थी पाबंदी। सिक्किम में बर्फीली चट्टान टूटने से बड़ा हादसा। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही शहीद हुए। 17 सैनिकों को सुरक्षित निकाला गया। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में 3 नए जहाज शामिल। अब कोस्ट गार्ड के पास 150 जहाज हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कमीशन। इस बार 4 दिन की देरी से आ सकता है मानसून। 5 जून को केरल के तट पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग ने सामान्य रहने का दावा किया। उत्तराखंड में आज सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले। पुजारी समेत सिर्फ 28 लोग मौजूद रहे। श्रद्धालु अभी दर्शन करने नहीं आएंगे।